हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आइस कंफर्ट के बारे में, जैसे कि हम आइस कंफर्ट सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग में जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ पर क्या करना है, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पर जाना है। आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है आइस कम्फर्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। शेड्यूल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आप इसे कस्टम कर सकते हैं, यानी कि आपको मतलब कितने बजे ऑन चाहिए। तो मुझे रात को 10 बजे ऑन चाहिए, इसलिए मैंने 10 बजे का शेड्यूल कर रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ऑफ, यानी कि कितने बजे आप इसको ऑफ़ करना चाहते हैं। तो सुबह 6 बजे मैं इसको ऑफ़ करना चाहता हूँ, मैंने 6 बजे का शेड्यूल कर रखा है। सेव पे क्लिक करेंगे, उसी टाइम पर आपका ये ऑन ऑफ होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, जैसे इसे ऑन कर ला। ऑन करने के बाद आप इसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना आप कर सकते हैं। ऑफेंस ऑफ करना चाहते हैं ऑफ़ कर सकते हैं। इसके बारे में बताता हूँ क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जैसे ऑफिस वगैरह में मीटिंग वगैरह में बैठते हैं या फिर जैसे ऑफिस का काम करते हैं नाइट में, या फिर बच्चे वगैरह नाइट में पढ़ाई करते हैं, तो आंखों पर लाइट जो होती है फ़ोन की वो बर्डन करती है, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।